श्रद्धा हत्याकांड को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भी लोगों ने एक रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस रैली में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत कई संगठनों के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपी आफताब को फांसी की सजा देने की मांग की गई। जिला मंडी में बहुत से संगठन इकट्ठे हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद जिला मंडी का अध्यक्ष होने के नाते ये गर्व का विषय है कि सारे संगठन एक इंडिपेंडेंट बैनर के तरह इकट्ठे होकर ये जो लव जिहाद नाम की चीज़ हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। जो 35 टुकड़े कर दिए गए वो एक सिर्फ श्रद्धा के नहीं थे, वो हमारे मान सम्मान के थे। उधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपनी कस्टडी में ले लिया। इससे पहले पंजाब की बठिंडा जेल में एनआईए की टीम ने लॉरेंस से पूछताछ की, जिसके बाद 3 हफ्ते से बठिंडा की केंद्रीय जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एनआईए ने अपनी कस्टडी में ले लिया। गैंगस्टर नो आज वो अपने तफ्तीश के लिए लेके जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉरेंस को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद एनआईए ने कोर्ट से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 10 दिन की रिमांड हासिल की। बाद में एनआईए की टीम उसे वहां से दिल्ली लेकर रवाना हो गई। इधर उत्तराखंड सरकार ने मदरसों के लिए नए नियम जारी कर दिए। जानकारी के मुताबिक राज्य के 100 से ज्यादा मदरसों में यूनिफॉर्म और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जरूरी कर दिया गया, जिसे अगले सत्र से मानना राज्य के सभी मदरसों के लिए अनिवार्य होगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने दावा किया कि सरकार मदरसों को आधुनिक बनाने की तैयारी में भी है, जिसके लिए पहले चरण में उत्तराखंड के 7 मदरसों को चुना गया है। इस बीच एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए नए नियम जारी कर दिए, जिनके तहत उन्हें ये बताया गया कि काम के दौरान वो क्या पहन सकते हैं क्या नहीं, और इसमें कपड़ों से लेकर गहनों तक सब शामिल है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की महिला क्रू मेंबर को अब सिर्फ एक साधारण चूड़ी पहनने की इजाजत होगी, वहीं वो माथे पर सिर्फ एक छोटी बिंदी लगा पाएंगी। उधर पुरुषों के लिए भी अपने बालों में जेल लगाना जरूरी होगा। वहीं किसी भी सदस्य को अपने बालों को कलर कराने और किसी तरह के धार्मिक टैटू बनवाने की इजाजत भी नहीं होगी।